ठीक है, यहां तक तो कोई इशू नहीं, फोटो ले लिया, फोटो को क्रॉप कर लिया, सेटिंग कर ली, ओके। अब करना यह है कि इसमें ना लेयर बाय लेयर हम लोग को अलग अलग लेयर बनाना पड़ेगा, सबका लेयर अलग अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। कहां से स्टार्ट करिए बताइए, फेस से स्टार्ट करें? इस बार आप पहले सिलेक्शन के लिए क्या यूज करते थे, पॉलीगॉन ना? इस बार आप पॉलीगॉन नहीं यूज करिएगा, ठीक है, आप यूज करिएगा डायरेक्ट सिलेक्शन का। नहीं नहीं जस्ट मिनट, रुक जाइए, पेन टूल का, सॉरी, यूज करना है पेन टूल का, ठीक है। जूम पोजीशन कंप्लीट रखेंगे, अच्छा पेन टूल का जब आप यूज करिएगा तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये वाला होना चाहिए सेप लेयर ना, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि सेप लेयर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्या नाम है इसका, पाथ, पाथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा काम है, पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करते चले जाना है, ओके। नो नो सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, ये लेना था पाथ नहीं लेना था, आपको लेना था सेप, पाथ लेना था, सेप प्लेयर नहीं लेना था, ठीक है ना, पाथ लीजिएगा। सिंपल पॉइंट क्लिक हो रहा है, फोटो दिखाना, अच्छा अगर गलती हो तो क्या करना है, बैक स्पेस करना है, जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार आपको वहीं पे क्लिक करना पड़ेगा जहां से ब्रेक हुआ है ना,
सिलेक्शन कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत है? अब आपको क्या करना है, इसी टूल के साथ, टूल चेंज नहीं करना, राइट क्लिक करना है, ठीक है? और यहां पे आपको कहना है मेक सिलेक्शन। देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है, राइट क्लिक जैसे किया तो डिलीट पाथ, डिफाइन कस्टम शेप और ये मेक सिलेक्शन, ठीक है ना? मेक सिलेक्शन पे क्लिक किया, फेदर नहीं देना है यहां पे, ठीक है? हमने कहा ओके, या जीरो फेदर रख सकते हैं, एक फेदर रख सकते हैं, एक रख देते हैं। सिलेक्शन कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम क्या करेंगे, जाएंगे लेयर में। तो अभी देखिए मेरे पास सिर्फ एक बैकग्राउंड है, ठीक है ना? बैकग्राउंड ही है ना। अब आपको क्या करना है कि इस बैकग्राउंड से ये जो सिलेक्शन किया है इसको एक लेयर के रूप में निकालना है। तो आप यूज करोगे कंट्रोल प्लस जे। क्या यूज करोगे? अब जैसे कंट्रोल प्लस जे यूज किया तो आप देखिए कि हमारे पास एक लेयर वन आ गया, ठीक है ना? चलिए अभी क्या करते हैं, इसको ऑफ करते हैं। तो देखिए ये आ रहा है हमारे पास, आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अब हमको काम करना है इस वाले लेयर पे, इस पे क्लिक होना चाहिए। इस पे क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड, और इस पे क्लिक करोगे तो लेयर वन, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल बी फॉर कलर बैलेंस। अब कलर को बैलेंस करते हैं, स्किन कलर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलेगा, करते, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा हम एक काम और करेंगे कि यहां पे थोड़ा सा बिलर का यूज करते हैं, इसी के ऊपर थोड़ा कम करके 50% के ऑपेसिटी में, चलो ये बात की सेटिंग है, पहले ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, ये काम हो गया, हमने चेहरे को कलर दे दिया, ठीक है ना? डिफरेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अब इसको हम कर देते हैं ऑफ, ठीक है? अब हमको यहां से उठाना है आंख और लिप्स, ये दो चीजें, ठीक है? तो अगेन हम आते हैं सिलेक्शन पे। अच्छा, याद रहे कि आपका ये इस पे क्लिक होना चाहिए, जब आप चीजों को उठाओगे तो इस पे होना चाहिए। ओके, एक एक चीजें उठानी पड़ेगी, आईब्रो उठाना होगा, आंख उठाना होगा, लिप्स उठाना होगा, सब कुछ एक एक चीज उठाना पड़ेगा, ऐसा आसान नहीं है। हाँ, सेलेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, ये फोटो क्यों बनवाएगा लोग, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर क्यों बनवाएगा, क्यों बनवाएगा? नहीं, कलर फोटो चलता है इसलिए नहीं। अगर कोई आदमी है तो वो ऐसा काम क्यों कराएगा, जाके सीधा कलर फोटो खिंचवा नहीं लेगा? बात समझ रहे हो? जो नहीं है उसके लिए तो मजबूरी है, तो आपको पैसा कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा? जितना मांगोगे उतना मिलेगा। हाँ, एजेंसी में तो देगा ही। हो गया सिलेक्शन, अब क्या करते हैं, फिर से वही काम, राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन, एक का फेदर, ओके, ठीक है? और हमने कहा कंट्रोल प्लस जे। अब ये जो लेयर बना ये चेहरे के बाद बना,
हम इसको चेहरे को ऊपर लेके आते हैं, ठीक है, और इसको ऑन करते हैं। अभी दिख रहा है आपको कुछ फर्क? अभी ये वाला मेरा ऑन है, हम इसको कहते हैं कंट्रोल एम, ब्राइटनेस कंट्रास्ट। चलेगा? ओके कर दे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? धीरे धीरे कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है या नहीं है? नहीं नहीं मतलब आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसको भी ऑफ कर देते हैं, इसको भी ऑफ कर देते हैं, फिर जा जाते हैं बैकग्राउंड पे। इस बार आईब्रो उठाते हैं, थोड़ा आईब्रो देखिए खराब है, ठीक है ना, इसको ठीक करना पड़ेगा पहले, फिर उसको उठाएंगे, है ना। ओके, तो उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ठीक करने के लिए हम लोग ब्रश का यूज कर लेंगे। और कलर सैंपल उठा लेंगे यहां से कि कौन सा कलर ये वाला कलर है, ब्रश दे करके। बहुत बड़ा ब्रश है। बेकार है। सिंपल हम उठा लेते हैं पूरा। चाहे तो ठीक कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक, ओह सॉरी यही वाला टूल लेना पड़ेगा आपको, और मेक सिलेक्शन। एक का फायदा दिया हुआ है, हमने कहा ओके, ठीक है, हमने कहा कंट्रोल प्लस जे, एक नया लेयर बन गया। इसको भी हमको चेहरे के ऊपर लेकर ले जाकर रख देना है ना। इसको ऑन कर देते हैं तो ये आ गया हमारा वो वाला काम, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं कंट्रोल प्लस एम। बहुत ही खराब स्थिति में आ रहा है ये फोटोग्राफ, बहुत खराब है। ये कलर मिक्स नहीं हो रहा है ना फिर इसमें, इसलिए ये दिख रहा है ऐसा बुरा सा। कोई बात नहीं, इसको हम हटा ही देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, बाद में इसको देखा जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग लिप्स पे, इसको भी ऑफ कर दिया, बाद में इसको उठाते हैं, ठीक है।
नहीं नहीं ये गड़बड़ हो रहा है। यहां से ठीक है ना, यहीं से ना होगा। ठीक है फिर से राइट क्लिक और मेक सिलेक्शन। रिकॉर्डिंग चल रहा है? नहीं चल रहा है। चल रहा है ओके ठीक है। और फिर से हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जे ओके। अब ये जाएगा फेस के ऊपर, जाएगा नहीं जाएगा? यहां पे आपको खाली ध्यान रखना कि जो जो चीजें फेस के ऊपर उसको रखते जाना है। फेस कौन करके देखते हैं क्या कहानी बनी, ये कहानी ठीक है ओके। ये क्या है, आईब्रो था, इसको हटा देते हैं फिलहाल, इसकी जरूरत नहीं है, बाद में इसको देखते हैं। तो हमने इसमें तीन काम किए हैं, चेहरे को किया, आंखों को किया और लिप्स को किया। अब लिप्स के लिए फिर से कंट्रोल बी आप कर लो, कलर बैलेंस अच्छा ये ठीक है तो ठीक है, और अगर नहीं ठीक है तो आप एक काम कर सकते हो, इमेज में जाना, मोड में जाना और सॉरी लेयर में जाना, सॉरी इमेज में जाना, एडजस्टमेंट में जाना ठीक है, और उसके बाद जाना वेरिएशन में। तो यहाँ पे बहुत सारे लिप्स के वेरिएशन मिल जाएंगे, ये चाहिए ये कौन सा चाहिए आप उसको ले सकते हो। पिंक में ओके कर दोगे उतना हो जाएगा, ये देखो ऐसा नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये चलेगा ठीक है या नहीं है, चलेगा ना ओके। लिप्स भी हो गया हमारा, आंखों का भी काम हो गया, अब इनके मोछों को भी हम लोग लेके आ जाते हैं। तो हम बंद कर देते हैं इनका चेहरा, ये तो लिप्स याद रखिए आपको चेहरा बंद करना है ठीक है ना, तो लिप्स भी बंद कर देते हैं, आंखें ठीक है अपनी जगह। फिर से हम जूम कर लेते हैं और फिर से सिलेक्शन, बैकग्राउंड सिलेक्ट है ना, देखिए अभी ध्यान रखिएगा, ये हमारा बैकग्राउंड सिलेक्ट होना चाहिए, ये इस पर क्लिक होना चाहिए या फिर राइट क्लिक करके, सॉरी मूव टूल लेना, राइट क्लिक करके बैकग्राउंड ऐसा सिलेक्ट करना होगा ठीक है ना। इस पर फोकस रखिएगा, अगर आप लेयर सेलेक्ट क्लियर सेलेक्ट है सिलेक्शन करोगे गड़बड़ हो जाएगी ठीक है ना, क्योंकि चीजें हमको कहां से उठानी है, बैकग्राउंड से उठानी है ना, समझ में आया। अगेन सिलेक्शन करते हैं, ये तो नहीं होना चाहिए, यहां से होगा, ये उस टाइम का फोटोग्राफ है जो कि बहुत ही खराब है। अच्छा है, अगर इस तरह की प्रैक्टिस आपको मिलती है तो सबसे गुड प्रैक्टिस होगी, याद रखिएगा। हम अभी चीजों को सीखने पे फोकस कर रहे हैं ना, ठीक है होगा। राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन, एक का फायदा दिया हुआ है, हमने कहा ओके कंप्लीट, और उसके बाद हम कहते हैं कंट्रोल प्लस जे। अब इसको भी हम लोग कहां लेके आएंगे, चेहरे के ऊपर।
फेस कौन कर लेते हैं, तो ये कहानी बना है, और क्या ऑन होगा, लिप्स ऑन हो जाएगा, और इसको आप बड़ा कर लो क्योंकि लेयर आपके बहुत सारे बनते चले जाएंगे, अभी तक कितना लेयर बना है, ठीक है ना। अब ये जो लेयर हमारा 5 है, ठीक है, एक बार ऑन ऑफ करके देख लेना कि किस पे हम काम करने जा रहे हैं, ठीक है ना, इसी पे काम करना है। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट जब भी चीजें होंगी तो कंट्रोल एम का यूज करें, इसको लाइट और डार्क करेंगे, ज्यादा हो गया, ये चलेगा। अभी देखिए आ रहा है कुछ कुछ, क्या नहीं आ रहा है, आ रहा है, लग रहा है कि कलर बन जाएगा। ओके, अभी इसलिए आपको पुरानी कहानी पता चलेगी क्योंकि बैकग्राउंड नहीं चेंज हुआ है, शर्ट का कलर चेंज नहीं हुआ है, हाथ का कलर चेंज नहीं हुआ। अच्छा, हाथ एक बार में उठेगा, ठीक है। जब हम ये सारी चीजें चेंज कर लेंगे तो कोई भी नहीं कह पाएगा कि ये कलर था या ब्लैक एंड व्हाइट। आ रहा था मन में? अच्छा, कुछ डिफरेंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा आप लोगों को? चलिए, तो अभी बताइए कि क्या इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, कर लेंगे आप? तो अभी क्या करना है, फिर बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, फिर बालों को सेलेक्ट करना है। अच्छा, बालों को जब आप सेलेक्ट करोगे तो क्या करोगे, फिर कंट्रोल एम करोगे, ठीक है ना। अभी आप इसको सिंपल बनाना है, फिर हम इसको क्या करेंगे, जहां जहां प्रॉब्लम है, जैसे इसके आईब्रो में प्रॉब्लम है उसको ठीक करेंगे, जहां जहां प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे ये वाला जो काम है, ये जो शैडो बन रहा है यहाँ पे, इसको ठीक करेंगे, यहाँ पे जो कलर का शैडो बन रहा है इसको ठीक करेंगे, ये सभी काम करेंगे, ठीक है, समझ में आया? तो अभी इतना काम आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सिंपल दो तरह के काम होंगे, कंट्रोल जे करना है, या तो कलर बैलेंस के यूज करना है, या तो कंट्रोल एम का यूज करना है, हो जाएगा। चलिए यहीं तक रखें आज, ठीक है, कोई दिक्कत?